नोएडा में स्थित डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया को लेकर ये खबर है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने डीएलएफ को 235 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है और 15 दिनों के भीतर 235 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा है। ये भुगतान उस जमीन के लिए मांगा जा रहा है जिस पर भारत के सबसे बड़े मॉल में से एक मॉल ऑफ इंडिया बनाया गया। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण डीएलएफ मॉल और बेंगलुरु के व्यवसायी वीरन्ना रेड्डी के बीच लंबे वक्त से लड़ाई चल रही थी और आखिरकार 25 साल बाद 2022 में रेड्डी को इस केस में जीत मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेड्डी को डीएलएफ 235 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। ऐसे में पूरा मामला समझने और जानने के लिए 25 साल पीछे यानी 1997 में चलना पड़ेगा। नोएडा डीएलएफ मॉल और वीरन्ना रेड्डी का पूरा केस समझिए। रेड्डी ने 25 साल पहले 1 करोड़ रुपए में छलेरा बांगर गांव में 7,400 वर्ग मीटर जमीन खरीदी, लेकिन पोजेशन को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने पेच फंसा दिया, जिसके बाद रेड्डी ने 1997-98 में स्थानीय अदालत में अथॉरिटी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। मुकदमा चला तो अथॉरिटी ने कहा वो जमीन कमर्शियल डेवलपमेंट के प्लान में शामिल थी और वीरन्ना का पोजेशन गैर कानूनी है, लेकिन अदालत का कहना था कि बाकी जमीन पर कोई दखल नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस जमीन का मालिक है। हालांकि अथॉरिटी अपने जिद पर अड़ी रही और अदालत के कहने के बावजूद 2003 में इसी जमीन को लेकर टेंडर निकाला गया। इसके बाद जमीन डीएलएफ को अलॉट कर दी गई, जिस पर मॉल ऑफ इंडिया खड़ा कर दिया गया और 2006 में अथॉरिटी ने जमीन के आधिकारिक अधिग्रहण और पोजेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसी वक्त रेड्डी ने इस नोटिफिकेशन को कई अदालतों में चुनौती दी, लेकिन डेवलपमेंट हो जाने के कारण जमीन के टुकड़ों को चिन्हित कर पाना मुश्किल था, इसीलिए लंबे वक्त तक केस चलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में आदेश दिया कि अथॉरिटी की ओर से वीरन्ना को हर्जाना दिया जाए, लेकिन नोएडा अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम अदालत में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि वीरन्ना को 1.1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हर्जाना मिलना चाहिए। इसके अलावा 30% सांत्वना के रूप में, हर्जाने की रकम पर 15% ब्याज और सजा के रूप में 3% ब्याज चुकाया जाना चाहिए। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने इसके बाद आखिरी दांव चला और रिव्यू पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2022 को उसे भी खारिज कर दिया, जिसके बाद मजबूरन नोएडा अथॉरिटी को आदेश का पालन करते हुए दिसंबर 2022 में रेड्डी वीरन्ना को 295 करोड़ रुपए जारी करने पड़े। तो ये पूरा मामला रहा जिसमें डीएलएफ और रेड्डी के बीच खूब कानूनी लड़ाई हुई और आखिरकार रेड्डी की जीत हुई। इसीलिए डीएलएफ 235 करोड़ रुपए नोएडा अथॉरिटी को देगा, फिर अथॉरिटी की ओर से ये रकम रेड्डी को ट्रांसफर की जाएगी। गौरतलब है कि रेड्डी ने साल 1997 में इस भूमि को एक किसान से खरीदा था, जो कि बाद में डीएलएफ को दे दिया गया था, जिसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी।